हाल ही में अलीगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कूड़े के ढेर में 29 सीरिंज मिलने का मामला सामने आया था, जिनमें कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन भरी हुई थी। इस मामले में 30 मई को एएनएम नेहा खान को हिरासत में लिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कोविड वैक्सीन से भरी 29 सीरिंज फेंक दी और वो डोज किसी को भी नहीं दी गई। एएनआई ने रिपोर्ट किया था कि सीएमओ ऑफिस में की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने नेहा खान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज आफरीन जहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद जी हिंदुस्तान ने 30 मई को एक वीडियो चलाते हुए इसे वैक्सीन जिहाद कहा और इसे कट्टरपंथियों से सीधे सवाल करने वाला बहुत बड़ा खुलासा बताया। ये देखिए इन तस्वीरों में, ये शख्स जो कि यहां पर वैक्सीन लगाने आया है, खुश है कि उसे पहली डोज पड़ रही है, और ये देखिए नेहा खान एएनएम, वो उन्हें वैक्सीनेट कर रही है। अब गौर से देखिएगा, इसमें सिरिंज चुभो दी गई, लेकिन उसके बाद जो वैक्सीन है, जो दवा है, वो अंदर नहीं भेजी गई, अंदर नहीं डाली गई, उसके बाद उसे फेंक दिया। ब्रॉडकास्ट का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। भाजपा राजस्थान के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने यह हिस्सा ट्वीट किया। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी यह वीडियो ट्वीट किया, और ऐसा ही भाजपा समर्थक रेणुका जैन, अरुण पुद्दूर और अतुल आहूजा ने भी किया। फेसबुक पर भी यह वीडियो शेयर किया जा रहा है, जहां इसे खूब देखा गया। प्रोपोगेंडा फैलाने की मशीन बन चुकी वेबसाइट ऑप इंडिया ने बरखा त्रेहन का ट्वीट शेयर करते हुए अपने आर्टिकल में लिखा कि सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल है, जहां नर्स नेहा खान को स्पष्ट रूप से कोविड-19 वैक्सीन की सुई लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से बिना वैक्सीन दिए वो सुई बाहर निकाल लेती हैं। जबकि इस वीडियो की असलियत ये है कि ये वीडियो इंडिया का है ही नहीं। ये वीडियो इक्वेडोर के ट्विटर हैंडल से 26 अप्रैल को ट्वीट किया गया था। इक्वेडोर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इसी हैंडल को जवाब देते हुए कहा था कि नर्स और पेशेंट की पहचान कर ली गई थी और जांच शुरू कर दी गई थी। सीएनएन की स्पेनिश वेबसाइट ने पूरा मामला बताया। हुआ यह था कि एक 55 साल का शख्स जबरदस्ती लाइन में घुसकर कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंच गया था, जबकि वहां उस वक्त तक सिर्फ 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। नर्स ने पहले तो उसको वैक्सीन नहीं दी, जो वीडियो में देखा गया, मगर बाद में उसे सुई लगाई गई थी। इन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था। इक्वेडोर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल को ही एक प्रेस रिलीज ट्वीट की थी और बताया था कि नर्स की पहचान कर ली गई थी। यानी जी हिंदुस्तान ने इक्वेडोर का वीडियो चलाते हुए अलीगढ़ की घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। उन्होंने इसे वैक्सीन जिहाद भी बताया। वहीं एक और वीडियो अलीगढ़ की नेहा खान का ही बताकर शेयर किया जा रहा है। ऑल न्यूज ने इस वीडियो की पड़ताल अप्रैल 2021 में ही की थी। ये वीडियो मेक्सिको का है और इस घटना के सामने आने के बाद द मेक्सिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी यानी IMSS ने बुजुर्ग व्यक्ति को इंजेक्शन देने का नाटक करने वाली कर्मचारी को निकाल दिया था।